हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एस एस डी एजुकेशनल क्लासेस एंड आई एम योर फ्रेंड कशिश मेहरा एंड टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखा है तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि फ़िक्स्ड कैपिटल क्या होता है उसके कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फिक्स्ड कैपिटल को इफ़ेक्ट कर सकते हैं और वर्किंग कैपिटल क्या होता है और उसके फैक्टर्स जो वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट कर सकते हैं लेकिन आज हमारे लिए ज़रूरी है कि फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बीच में डिफरेंस बिटवीन क्या है सबसे पहले मीनिंग देखते हैं फिक्सड कैपिटल रिफर टू एनी काइंड ऑफ फिजिकल एसेट दैट इज फिक्सड एसेट ऐसा पैसा कोई भी कैपिटल जो हमने लगाया है फिक्स्ड एसेट को परचेस करने के लिए उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल तो मतलब अगर जितना भी हम कैपिटल लगाते हैं फिक्स्ड एसेट को परचेस करने के लिए तो उसे हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल वहीं अगर हम वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू द सम ऑफ करंट एसेट करंट एसेट का मतलब है जितना हमारे पास करंटली अवेलेबल मनी है हमारे हाथ में और वो हमको डे टू डे एक्टिविटीज़ को करने में काम आता है उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल अगर हम फिक्स्ड कैपिटल का नेचर देखते हैं इट स्टेज इन द बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंटली क्योंकि एक बार हमने अगर कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो वो कैपिटल लगभग हमारे पास परमानेंटली इन्वेस्ट किया हुआ रहता है लेकिन वर्किंग कैपिटल जो रहता है वो सर्कुलेटिंग कैपिटल है इट मीन्स वो चेंज ऑन की चेंज ऑनिंग रहता रहता है इट मीन्स वो बार बार चेंज होता रहता है अगर हम देखते हैं पर्पस इट इज़ इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट सच एज बिल्डिंग लैंड इक्विपमेंट फिक्स्ड कैपिटल जो रहता है वो इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ किया जाता है फिक्स्ड एसेट को परचेज करने के लिए यूज़ किया जा सकता है जैसे कि लैंड बिल्डिंग इक्विपमेंट ये सब जाता है फिक्स्ड कैपिटल में अगर हम बात कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल की वर्किंग कैपिटल इज़ इन्वेस्टेड इन शॉर्ट टर्म एसेट्स लाइक कैश अकाउंट रिसीवेबल्स इन्वेंट्री इन सब में जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो इसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल सोर्सेज अगर हम देखते हैं फिक्स्ड कैपिटल का जो सोर्स है कहाँ से आता है फिक्स्ड कैपिटल वी कैन गेट फिक्स्ड कैपिटल फंडिंग फ्रॉम सेलिंग शेयर्स इशूइंग डिबेंचर्स या फिर बॉन्ड लॉन्ग टर्म लोन लिया जा सकता है तो इसके थ्रू हमें फिक्स्ड कैपिटल मिलता है वहीं अगर हम वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म लोन्स लेकर हम कंप्लीट कर सकते हैं डिपॉजिट्स जो हैं या फिर ट्रेड क्रेडिट ले सकते हैं तो वर्किंग कैपिटल का जो सोर्सेज हैं यहाँ से दो से तीन सोर्सेज हैं वर्किंग कैपिटल के ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टर्स कैसा रहता है इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट मनी इन फिक्सड कैपिटल होपिंग टू मेक फ्यूचर प्रॉफिट कोई भी इन्वेस्टर इसलिए फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट करता है ताकि उसे लगता है फ्यूचर में उनको प्रॉफिट मिलेगा लेकिन वर्किंग कैपिटल जो रहता है वो इमीडिएट रिटर्न देता है जैसे कि हमने कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है इन्वेस्टर इन्वेस्ट मनी इन वर्किंग कैपिटल फॉर गेटिंग इमीडिएट रिटर्न जिसको इमीडिएट रिटर्न चाहिए वो वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करता है फिक्स्ड कैपिटल जो है एम्प्लाई मोर रिस्क इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल इज़ मोर रिस्की वेयर एज इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल इज लेस रिस्की तो ये था डिफरेंस बिटवीन फिक्सड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बीच में होप स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को थैंक यू